अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, तो उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ वोट के लिए ये मतलब फिर गली खोंचों पे चले जाते हैं। तो खुदारा तुम लोगों को ये क्यों नजर नहीं आते हैं किस तरीके से अवाम जलील हो रहा है। अगर वोट को इज्जत देना है ना, सिर्फ वोट के दिन मतलब आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, वैसे भी मतलब जाना चाहिए, उनका बुनियादी हक बनता है। क्योंकि हम अपने वोट से जब किसी को मुंतखब करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आए, हमारा आज क्या मसाइल है, कल क्या मसाइल थे, कभी आते ही नहीं है। बस उनको अपने वोट की फिक्र पड़ती है, कभी कौन नुमाइंदा बन गया, कभी कौन बन गया। तो हर 5 साल हमारे नुमाइंदे भी चेंज होते हैं, वो एक नुमाइंदा भी नहीं है कि बंदा उनको सेलेक्ट करके तो वो खुद आके यहाँ पे कोई अच्छा काम करे। तो खुदारा जो भी हो, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब आवाम है ख़ासतौर पर उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि उनकी एज को देख के उनसे ये काम लिया जाए। अभी 75-80 साल की एज की उम्र के जब इस तरीके से सड़कों पे आके भैंस के गोबर उठा के वो भी अपने घर लेके चले जाते हैं। उस बलूचिस्तान में ये लोग रहते हैं जहाँ से गैस निकलता है। मेरे घर में गैस है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि आपके घर में चाचा क्यों नहीं है गैस, तो उसने बोला कि बेटा मेरे जो घर के सामने जो है ना वो मेन लाइन जो होता है ना वो नहीं आता है, मेरे घर के करीब नहीं आता है। मतलब तो सच तो ये है ना कि अगर गैस लाइन अगर घर के करीब नहीं जा रही है तो ये यहाँ के नुमाइंदों की जिम्मेदारी बनती है कि जब पूरे इलाके में गैस है जो गरीब तबका है उनके पास गैस क्यों नहीं है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि पहला हक जो होता है ना वो उन गरीब आवाम की है जिनके पास कुछ भी नहीं होता है खाने के लिए। तो पहले से ऑलरेडी इन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बदकिस्मती से गैस भी नहीं होता है, फिर भी वो जाके कांटे उठाते हैं या कहीं पे भैंस के गोबर उठाते हैं। तो ये तो बहुत बुरा है, नाइंसाफ़ी है। तो मैं खुदा अपील करता हूँ अपने नुमाइंदों से, अल्लाह का खौफ करो, इन जैसे गरीबों का ख्याल रखें, क्योंकि इंसानियत यहीं से शुरू होती है। अगर आप लोग इनका ख्याल रखोगे ना, तब हम मानेंगे आप लोग हमारे लीडर हो, और हम मानेंगे आप हमारे सच्चे लीडर हो। अगर जब आप लोग इस तरह के काम नहीं करते हो ना, दिल करता है तो वोट किसी को भी नहीं देना, क्योंकि वोट की कोई इज्जत है ही नहीं।